नमस्कार, मैं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। हसायन विकासखंड परिसर में कृषि विभाग ने किया कृषि गोष्ठी का आयोजन, ब्लॉक प्रमुख ने फीता काट कर किया उद्घाटन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं व उत्कृष्ट खेती की जानकारी देने के लिए प्रत्येक जिले में कृषि गोष्ठी का आयोजन कराया जा रहा है, जिसके क्रम में हाथरस कृषि विभाग के द्वारा कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं जागरूकता व सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना के उद्देश्य से हसायन विकासखंड परिसर में खरीफ वर्ष 2024 के अंतर्गत कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का फीता काटकर उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख के द्वारा किया गया। यहां पर कृषि अधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा मौजूद किसानों को सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए उत्कृष्ट खेती के तरीके बताए गए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र प्रताप सिंह, संचालन सौरभ कुमार सिंह व कार्यक्रम में विभाती चतुर्वेदी SDO कृषि, अशोक कुमार गौतम, श्रीनिवास पचौरी SMS, डॉक्टर AK सिंह KV के अध्यक्ष, डॉक्टर विनोद प्रकाश कृषि वैज्ञानिक, संतोष शर्मा एडिशनल DO, जीतेश कुमार प्राविधिक सहायक, मिनहाज मलिक BTM, ब्रजवीर सिंह गोदाम इंचार्ज, दीपू अंडौली यशपाल सिंह सहित सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है मेरे साथियों, हमारी सरकार चाहती है कि हमारे किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और कैसे लाभ मिले, समय समय पर गोष्ठी का आयोजन होता रहता है और सभी ने कृषि के बारे में जो भी कृषि से संबंधित यहाँ लोग बैठे हुए हैं उन्होंने सबने आपको बहुत ही बारीकी से समझाया है। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात के जरूर कहना चाहूंगा कि मंच के द्वारा जब गोष्ठियां होती हैं तो किसानों के सामने कुछ दूसरे वादे किए जाते हैं। अगर मेरा किसान भाई अगर फोन करता है किसी भी कर्मचारी के पास तो फोन को उठाया नहीं जाता और उसको अगर वो किसी के बारे में पूछता है तो उसको बताया भी नहीं जाता। इसलिए मैं सभी को आगाह करना चाहता हूँ, अगर ऐसी शिकायतें मिली तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आगे तक शिकायतें होंगी, वरना आप लोग समझ ही रहे हैं ऐसी स्थिति हमारे किसान भाइयों के साथ में नहीं आनी चाहिए। देखिए, और भी अनुरोध करूँगा कि ये गोष्ठी जो हो रही है थोड़ा लेट हो रही है, समय से गोष्ठी का आयोजन हमारे किसान भाइयों के लिए होना चाहिए। अधिकतर मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के कृषि विभाग से, जो हसायन में यहाँ पर लोग बैठे हैं, कि किसानों के जो भी किसान भाई यहाँ बीज लेने के लिए आते हैं उनसे रेट भी ज्यादा लिए जाते हैं। अगर ऐसी शिकायतें दोबारा सामने आई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई भी जरूर करवाने का कार्य हम करेंगे किसान भाइयों के साथ में। मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, अगर कृषि से संबंधित कोई भी बात है तो आप मंगलवार के दिन में यहाँ पर बैठता हूँ, आप जरूर मुलाकात करें और मेरा जरूर नंबर रखें। या तहसील से संबंधित कोई भी कार्य है, या जिले से संबंधित कोई भी कार्य है, या छोटी या थाने से संबंधित कोई भी कार्य है, तो आपका बेटा आपके साथ रहेगा 24 घंटे, आपकी सेवा करने के लिए, आपके बीच में रहने के लिए तत्पर मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, आपके बीच में रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। जय भारत, जय जय श्री राम। उन प्रजातियों का चयन करें, यानी हमारे पास जितना सिंचाई का साधन है उस साधन के मुताबिक हमारा किसान खेती करे तो निश्चित रूप से जो उसको फायदा होगा वो अच्छा फायदा हो सकता है। दूसरा, जल का संरक्षण करना सीखें, जल का अपने रोके, जितना हमको पानी की आवश्यकता है, हमारी फसलों को जितनी जल की आवश्यकता है उसके अनुरूप हम सिंचाई का प्रबंधन करें। इसके अनुसार जो भी हमारी वर्तमान में फसलें हैं, आगामी मौसम जो हमारा रबी का आएगा, खरीफ का तो लगभग समाप्ति हो रहा है, तो रबी में भी हम निश्चित रूप से
सरसों की फसल है, तोरिया की फसल है, गेहूं है, इनमें हम अपनी जमीन के अनुसार, अपने पानी के अनुसार उस फसल की प्रजातियों का चयन करें तो निश्चित रूप से उससे हमको लाभ भी होगा। और दूसरा, जो हम उर्वरकों का प्रबंधन कर रहे हैं, यानी हमको संतुलित, ये केसीसी योजना चालू की गई है, जैसे आप खेती पर केसीसी होती है, ऐसी आपके पशुओं पर केसीसी मिलती है आपको। मतलब पशु आपका होना चाहिए और दुधारू पशु होना चाहिए, दूध देने वाला, जिससे उसकी कीमत सरकार लगा सके। ये नहीं है कि नंदी हो या बछड़ा हो या बछिया हो, उसमें नहीं है। तो उस पर आपको 22-23 हज़ार रुपये एक पशु पर लोन मिल जाता है। आपको एक साल तक कुछ भरना नहीं है, उसके बाद उसकी किस्त बनती है 4% ब्याज से। तो ये लाभ भी है आपका। केसीसी योजना चल रही है इस समय, इसका फॉर्म मिलेगा हॉस्पिटल से आपको, इसमें आपका आधार कार्ड लग के सब ऐसा है। तो इन सब योजना का आप लाभ लीजिए और जो जानकारी है लेते रहिए, और कृषि गोष्ठी में जो भी आप आए हैं जानकारी लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, जय। लगी हुई है कि किसानों की स्थिति मजबूत, किसानों की स्थिति मजबूत तभी होगी जब हम सब्जियों की और फल की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करेंगे। क्योंकि जैसे अभी धान की बात आएगी, धान में भी कंडुआ रोग लगता है, लाल जब जाए कंडुआ रोग लगता है, जो बाली आती है उस समय पूरा का पूरा कंडुआ रोग पूरा पूरा खत्म हो जा रहा है। अभी बात आ रही थी जो है सीड ट्रीटमेंट की, मतलब कि बीज उपचार करने की बात आ रही थी। बीज उपचारित होकर के तो आ ही रहा है, जो बाहर से आ रहा बीज उपचारित होकर के जा रहा है, और 80% हमारा किसान जो है वो नया बीज ही हर साल बो रहा है, बावजूद उसके भी जो है बहुत सारी बीमारियां ऐसी आ रही हैं जिसका कि कोई कंट्रोल नहीं है। मैं तो किसान गोष्ठी की सुना, तो मैं किसान गोष्ठी में आया और यहाँ पर जो खेती से संबंधित और खेती को कैसे हमने परिवर्तन करना है, उसका सब्जियों कैसे किया जाए जिससे हमारी लागत कम हो और अच्छी पैदावार मिल सके, और उसके साथ पशुओं से संबंधित जानकारी मिली कि अगर खेती का काम करते हैं तो हम पशुओं को अवश्य रखें, और खेती में बीज शोधन करना कैसे करें, बीज की मात्रा कैसे करें, और जो भी खेती के अवशेष हैं वो हमारे उन जीवाणुओं को बरकरार बढ़ा सके, इसलिए